हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी नियॉन लाइट इफेक्ट एडिटिंग के ऊपर होने वाली है, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही तीन ऐसे स्टेप्स लाया हूँ जो कि हम लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस तरह की फ़ोटो बना पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पास कुछ फ़ोटोज़ मैंने एडिट की हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ ही रही होंगी। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमको सिंपली ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड हम यहां पास से अपनी फ़ोटो को चूज़ कर लेते हैं जिस फ़ोटो को हमको यहां पे एडिट करनी है। फिर उसके बाद आपको ये ड्रॉ वाला टूल, ये टूल पर जाना है एंड इस टूल पर आपको जाने के बाद एडजस्ट कर देना है आपकी ब्राइटनेस को, जो कि हम अपनी फ़ोटो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डल करने के लिए माइनस पे करता हूँ, एटलीस्ट 40-50 तक आपको कर देना है। एंड जो कॉन्ट्रास्ट है हमको थोड़ा ब्लैक टोन देने के लिए हमको बढ़ा देना है। एंड फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद हमको यहाँ पास सिर्फ टिक कर देना, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉ वाले टूल के अंदर जाएंगे एंड ये पेंसिल वाले पे ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पास इस वाले को सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद हमको करना क्या है कि ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साइज में कम कर लेता हूँ एंड कैपेसिटी को थोड़ा मैं कम करता हूँ। यहाँ पास साइज में कम कर लेता हूँ, 16-15 तक आपको रखनी है साइज इसकी। एंड जो हमारा कलर है वो हम ब्लू यहाँ पास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं फ़ोटो को जूम करके यहाँ पास नियॉन इफेक्ट दूंगा इस पर लाइटिंग का, ये देखिए कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद आपको इस इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इरेज ऑप्शन के करने के बाद ये जो लाइन दिख रही है इसको आपको टैप कर देना सिंपली एंड साइज इसकी कम करके एंड कैपेसिटी को भी हमको हल्का सा कम कर लेना है। फिर देखिए, यहाँ पास ही आपको इरेज कर देना है नीचे और ऊपर की ओर, ये देखिए इस टाइप से। एंड यहाँ से भी मैं इरेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक और लाइन बनाएंगे कुछ इस टाइप से, जिसको ड्रॉ करेंगे हम तो उससे थोड़ा सा पतली होगी। तो वही वापस से आपको फिर से इरेज कर देना है। फिर बस अच्छे तरीके से सारा मैं इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा अगल बगल मेरे में ड्रॉ हो गया है जो कि एक्स्ट्रा, ये देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा फेड करके। इसके बाद हमको फ्रेंड्स करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर जाना है। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पास कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसको टिक कर देंगे एंड इसको टिक करने के बाद हमको फिल पे टिक करके ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद हम यहाँ पास देखिए कुछ इस टाइप से अपना जो फ्लावर है उसका कलर मैं यहाँ ब्लू करके और यहाँ पे अपने में फ़ोटो में लगा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने के लिए। ये देखिए ये लग गया एंड इसको मैं यहाँ पास से सेव कर देता हूँ। तो देखिए, हमारी कुछ नॉन इफेक्ट यहाँ पास हो चुके हैं एंड इसको फ्रेंड्स ओवरले ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नियॉन इफेक्ट है वो हमारे फेस पे पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप इसे वापस से टूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड टूल जाने पे आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप सैचुरेशन पे आएंगे एंड सैचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पास। थोड़ा सा देखिए, एटलीस्ट 11-12 तक हम यहाँ पास कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको शेडो को थोड़ा सा हम यहाँ पास कम कर लेते हैं ब्लैक टोन देने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर को हमको थोड़ा सा कम कर देना, हल्का ब्लू टोन देंगे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को एंड अपनी बॉडी पे। फिर उसके बाद हमारी जो ब्राइटनेस को हमको बिल्कुल डल कर देनी है। यहाँ पास देखिए 60 तक आपको कर देनी है एंड इसको करने के बाद कुछ स्टेप से फ़ोटो दिखेगी, जो कि देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितनी अच्छी एडिट हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
Thank you.